छोटे साइज का घर है, कम बजट का घर है, ये वीडियो आप पूरा इसीलिए जरूर जरूर देखिए। जनरली आप लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि क्या जो बेसिक एमिनिटीज हैं, मार्केट है, स्कूल है, जो मेन मुद्दा है इस घर का प्राइस, प्राइस है इसका मात्र। बारिश हो रही है, नीचे चलते हैं और बाकी डिटेल पे नीचे में चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित भदौरिया, आज आपके बीच में हम कई सारे घर लेके आए हुए हैं। ये घर के जो साइजेस हैं ये आपको सारे 600 स्क्वायर फीट के आपको घर मिलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 पांच घर हैं ये आपको 600 स्क्वायर फीट के। बारिश का मौसम चल रहा है तो अगस्त का महीना चल रहा है, तो इस तरफ देख सकते होंगे अभी थोड़ा इधर जो घर पे थोड़ा पानी वानी ये सब आपको पड़ा हुआ नज़र आ जाएगा। इस घर को हम आपको पूरा दिखाते हैं, क्यों घर ये ख़रीदना चाहिए, क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के ज़रिए पता चल जानी चाहिए कि क्यों इस घर को आपको ख़रीदना चाहिए। उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। 600 स्क्वायर फीट में जनरली कम बजट में लखनऊ शहर के अंदर घर मिलना तो बहुत मुश्किल होते हैं। कुछ कुछ लोकेशन पे वैसे घर होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि वैसे घर आपके बीच में हम लेके आएं। शहर के अंदर में नगर निगम एरिया में वैसे घर जो भी अधिकतर इस तरीके के आते हैं हम आपके बीच में लेके आते हैं। इन घर को देखते हैं कि किस तरीके से ये बने हुए आपको घर नज़र आ जाएंगे। सामने लगभग अगर रोड की बात करें तो ये लगभग आपको 22 फीट की आपको रोड मिलेगी। घर आप देख सकते हैं सारे ये पश्चिम दिशा के आपको घर आपको बने हुए नज़र आ जाएंगे। इसमें से एक घर हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से बना हुआ है। लगभग जो भी सारे घर हैं वो उसी तरीके के आपको बने हुए नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि सामने में लोहे का बड़ा बढ़िया सा आपको गेट लगा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। 600 स्क्वायर फीट के अगर घर की बात करें तो इसका जो फ्रंट है, फ्रंट आप इसका 15 का है और गहरान इसकी 40 की आपको नज़र आ जाएगी। ऊपर का फ्रंट एलिवेशन देखिए किस तरीके से सारे घरों का फ्रंट एलिवेशन है, तो वो सारा आपको दिख जाएगा। जो इस तरीके के 600 स्क्वायर फीट के घर होते हैं जनरली उसमें कार पार्किंग घर के अंदर बहुत ही कम घरों में होती है। इस घर में आपको जो कार पार्किंग तो नहीं मिलेगी, यहाँ पे आप 2 बाइक आराम से आप खड़ी कर सकते हैं। इस घर की खासियत ये है कि रूम जो हैं वो काफ़ी बड़े साइजेस के हैं। 2 रूम आपको मिलेंगे, ये इस घर का पहला रूम आपको मिलेगा। पेंट वगैरह का देखिए सारा बढ़िया सा काम आपको लगा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। ऊपर में POP का, लाइट का सारा काम आपको मिल जाएगा। लाइट का कनेक्शन अभी नहीं है यहाँ पे, तो जब आप घर लेंगे तो यहाँ पे बगल में खंभे हैं, इसे आप अपना लाइट का कनेक्शन ले सकते हैं। विंडो आपको, बड़ी सी विंडो आपको मिल जाएगी। छोटे साइज का घर है, कम बजट का घर है, ये वीडियो आप पूरा इसीलिए ज़रूर ज़रूर देखिए। नीचे में सारा टाइल्स का बढ़िया सा सारा काम आपको लगा हुआ नज़र आ जाएगा। डोर वगैरह देखेंगे, बड़े साइज के आपको डोर जो हैं सारे लगे हुए आपको नज़र आ जाएंगे। ये रूम आप देख सकते हैं, इसको आप ड्राइंग रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी फैमिली के लिए ये घर जो है बढ़िया होने वाला है। यहाँ पे आपके देखेंगे तो ये आपका बड़ा सा आपको हॉल का एरिया आपको नज़र आ जाएगा। खुला सा हॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ पूरा हॉल का एरिया हो गया। ऊपर में पूरे घर में आपको POP का जो पूरा काम है, पूरे घर में आपको POP का काम मिलेगा। इस तरफ आप देखेंगे कि बड़ा सा आपको बाथरूम मिलेगा, 7 फीट की हाइट तक सारा टाइल्स वगैरह आपको लगा हुआ नज़र आ जाएगा। इंग्लिश स्टाइल की यहाँ पे आपको सीट लगा के दी जाएगी। जो भी सारी एसेसरीज आपकी बाथरूम में नहीं लगी हैं वो सारी एसेसरीज आपको लगा के दी जाएंगी। इस तरफ आएंगे तो OTS का आपको बड़ा सा एरिया आपको नज़र आ जाएगा। ये लगभग 5 फीट के आसपास ये आपकी जो लंबाई है 5 फीट की, और इसकी जो चौड़ाई है ये 3 फीट की आपको चौड़ाई मिलेगी। बड़ा सा OTS का एरिया है तो नेचुरल लाइट में आपको घर में किसी भी तरीके की कमी नहीं होने वाली है। जनरली छोटे साइज के घरों में क्या होता है कि लाइट वगैरह की बहुत दिक्कत होती है, वेंटिलेशन की बहुत दिक्कत होती है। इस घर में वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको लाइट और वेंटिलेशन पूरा प्रॉपर आपको मिलेगा। अगर ये रूम की बात करें तो ये 10x12 के साइज का आपको बेडरूम जो है, 10x12 के साइज का आपको बेडरूम आपको मिल जाएगा। AC के पॉइंट, TV के पॉइंट सारे आपको मिलेंगे। ऊपर में POP का पूरा काम मिलेगा। बढ़िया सा आपको बड़ी सी आपको विंडो मिलेगी। ग्लास कवर किसमें विंडो में होना है वो आपको हो जाएगा। तो आपको जो भी बेसिक छोटे छोटे काम रह गए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे।
इधर आपका जो एरिया है, इधर आप अपना अलमारी वगैरह बनवा सकते हैं, उसके लिए आपको स्पेस छोड़ा हुआ है। तो जनरली क्या होता है कि अलमारी वगैरह के लिए उतना स्पेस नहीं रहता है, यहाँ पे लगभग ये 5 फीट का ये जो एरिया है, ये 5 फीट का एरिया है, तो आप इसमें अपना अलमारी वगैरह इधर आप बनवा सकते हैं। तो ये 600 स्क्वायर फीट में 10x12 का ये रूम, लगभग ये 10x11 का ये पहला रूम था। किचन भी आप चाहते हैं कि आपको बड़ा सा किचन मिले, तो यहाँ आपको बड़ा किचन मिल रहा है। यहाँ पे आपको 6 फीट की इसकी आपको लगभग जो है चौड़ाई आपको मिलेगी। लंबाई जो है इस किचन की लगभग 8 फीट के आसपास की है, तो किचन भी बड़े साइज का है। मॉड्यूलर किचन आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अलग से चार्जेस जो होंगे वो आपको देने पड़ेंगे। लाइट वगैरह का काम सारा काम हो रखा है। यहाँ सिंक में जो फिटिंग होनी है, बाथरूम में जो फिटिंग होनी है, वो सारी आपको करके मिलेंगी। तो नीचे का आपने पूरा एरिया देख लिया है, नीचे का पूरा पोर्शन देख लिया है। अभी इन घरों में फाइनल फिनिशिंग का काम चल रहा है। जैसे आप देखेंगे स्टील की ग्रिल लगने का काम अभी चल रहा है, तो यहाँ पे आपको स्टेयर्स पे आपको स्टील की ग्रिल लगा के आपको मिलेगी। इस तरफ आएंगे तो स्टेयर्स पे आपको मार्बल जो है लगा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। ऊपर भी आ जाओ मेरे साथ, तो ऊपर भी आके देख लो कि ये घर ऊपर से कैसा बना हुआ नज़र आता है, कैसी पूरी कॉलोनी है, वो भी सारा आपको पता चल जाएगा। ये घर जो पूरे हैं सारे, ये सारे घर आपको पिलर्स पे बने हुए आपको नज़र आ जाएंगे। 600 स्क्वायर फीट के ये जो घर हैं सेपरेट पिलर पे बने हुए नज़र आ जाएंगे, मतलब उस घर के पिलर दूसरी तरफ हैं, इस घर के पिलर आपको दूसरी तरफ आपको नज़र आ जाएंगे। कॉलोनी भी देखिए आसपास में, ये पूरी कॉलोनी आप देखेंगे, सारी डेवलप कॉलोनी आपको नज़र आ जाएगी। बहुत सारे घर इस तरफ आपको बने हुए नज़र आ जाएंगे। पश्चिम दिशा के ये घर हैं। अगर बेसिक एमिनिटीज़ की बात करें तो स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, कॉलेज, जो भी सारी चीज़ें हैं 5 से 7 मिनट की दूरी पे आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आपको कहीं नहीं भटकना है। जनरली आप लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि क्या जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, मार्केट है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, क्या ये सारी चीज़ें हैं? तो बिल्कुल हैं। यहाँ पे बहुत सारी फैमिली रहती हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट की डिस्टेंस पे, 5 से 7 मिनट की दूरी पे सारी जगह पे आप पहुँच जाएंगे। चारबाग अगर पूछेंगे कि रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन यहाँ से आलमनगर रेलवे स्टेशन पड़ता है। मुश्किल से 5-7 मिनट की दूरी पे आलमनगर रेलवे स्टेशन पड़ जाएगा। राजाजीपुरम भी पास आपको पड़ जाएगा। अगर चारबाग की बात करें तो लगभग आप 20 मिनट के अंदर आप चारबाग पहुँच जाएंगे। एयरपोर्ट भी 20 मिनट के अंदर आप पहुँच जाएंगे। बुद्धेश्वर चौराहा जो है यहाँ से आपको बहुत नज़दीक में पड़ेगा। मुश्किल से आप 5 मिनट के अंदर में ही आप बुद्धेश्वर चौराहा आप पहुँच जाएंगे। आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, तो आप देखेंगे बारिश अभी हल्की हल्की हो रही है, उस बीच में हम आपके बीच में ये घर लेके आए हुए हैं। अगर इस तरीके के घर आपको चाहिए कम बजट में, मैंने पहले ही बोला था कि कम बजट में चाहिए, तो इस घर को आके आपको देखना तो बनता है। अगर लोन की बात करें तो बैंक से आपका लोन होगा और 90% तक लोन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी रहती है बैंक से लोन होने के लिए, कि आपकी प्रोफाइल, आपकी इनकम, बिजनेस करते हैं तो उस तरीके की आपकी इनकम होनी चाहिए कि आपका लोन हो जाए। लोन तो होगा, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। बारिश हो रही है, नीचे चलते हैं और बाकी डिटेल पे नीचे में चर्चा कर लेते हैं। घर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया है, नगर निगम के अंदर है, शहर के अंदर है, डेवलप कॉलोनी में है। 5 घर ऐसे 600 स्क्वायर फीट के हैं, और अगर आपको आलमबाग जाना है तो भी आराम से पहुंच जाएंगे। इधर आपको दुबग्गा की तरफ जाना है, वो भी आप आराम से पहुंच जाएंगे। इधर आपको एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या आपको आगरा एक्सप्रेसवे या किसान पथ, किधर भी आपको चढ़ना है उतरना है, आराम से आप पहुंच जाएंगे। तो ये शहर के अंदर घर है, डेवलप कॉलोनी में है, नगर निगम एरिया में है। अब मेन बात कर लेते हैं जिसके लिए आप ये पूरा वीडियो देखे हैं, कि आपको ये घर खरीदना चाहिए कि नहीं। तो जो मेन मुद्दा है इस घर का प्राइस है इसका मात्र 22,50,000 रुपये। तो इतने कम बजट में आपको चारबाग रेलवे स्टेशन से 20 मिनट की डिस्टेंस पे आपको घर बहुत ही कम मिलेंगे, इस साइज के तो बहुत ही कम मिलेंगे। तो आप अगर इस घर को देखना है इसको,
तो आप देखने के लिए कॉल कर सकते हैं। हमारे पास लखनऊ में अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग एरियाज में हर तरीके की प्रॉपर्टी लगभग लगभग मान के चलो 14-15 लाख से स्टार्ट होके ऊपर के किसी भी बजट में अवेलेबल रहती है। तो अगर आपको देखना है वैसी भी प्रॉपर्टी और बहुत सारे घरों को, तो हमको कॉल कर सकते हो, हमारी टीम आपको ऐसे घर आपको दिखवा देगी। तो अगर आपको विजिट करना है तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके विजिट करने के लिए आ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए घर के साथ। तब तक आप सही सलामत रहें और बारिश का एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।